हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आप बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, आप किस प्रकार उसका चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से। जी हाँ दोस्तों, मेरे बताए गए तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल से ही बीए का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का जो रिज़ल्ट है यूनिवर्सिटी के तहत, आप उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आसानी से मेरे बताए गए तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है result.rmlauexam.in। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, व्यू रिजल्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर व्यू रिजल्ट 2021 एंड व्यू रिजल्ट 2022। तो हम अभी चेक करने वाले हैं 2022। तो व्यू रिजल्ट 2022 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट 2022 वाले सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर व्यू रिजल्ट मार्कशीट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के जो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें जितने भी कॉलेज आते हैं सारे कॉलेज का नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज कोड एंड कॉलेज नेम। अगर आपको कॉलेज नेम पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉलेज कोड के यहाँ पर जो कॉलेज कोड वाला कॉलम है, इसमें हर कॉलेज का जितना कोड है उस कोड को ढूंढ करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो नाम से या फिर कोड से, दोनों तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नाम जो है अपने इस कॉलेज का ढूंढ करके उस पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम ढूंढ ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं फाइनली मैंने यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इसको यहाँ पर साइड में स्क्रॉल डाउन करना है। ऐसे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू रिजल्ट, यहाँ पर जो व्यू रिजल्ट वाला जो सेक्शन है ये, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर मार्कशीट स्टेटस एंड रोल नंबर, यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है इस पर यहाँ पर फिल कर लेना है सर्च बॉक्स में। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर लेता हूँ। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर शो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, फाइनली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो है रिजल्ट देख लिया है। ये मेरी मार्कशीट जो है, पूरी मार्कशीट मेरी खुलकर आ गई है। यहाँ पर सब कुछ दर्शाया गया है। यहाँ पर नेम एंड फादर्स नेम एंड रोल नंबर, यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन किया गया है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट एंड कितने नंबर हैं एंड टोटल क्या है। मैं यहाँ पर मतलब मेरा जो रिज़ल्ट है ये पासिंग का है, आपका जो भी होगा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।